नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राजपूत, वैज्ञानिक पादप रोग विज्ञान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च, इंदौर से। मैं आज आपको सोयाबीन के एक मुख्य रोग पीला मोजाइक से अवगत करवाना चाहता हूँ। जैसे कि किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि सोयाबीन में 30-35 दिनों के आसपास में कुछ पत्तियों पे हरा और पीले रंग की पच्चीकारी बन जाती है, मतलब एक चितकबरा धब्बा बन जाता है। उसके बाद में धीरे 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 वो पीलापन बढ़ता जाता है और बढ़ते बढ़ते पत्तियां सिकुड़ती जाती है तथा पौधा भी छोटा होता जाता है, पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। उसके बाद के अंदर उसे पौधों में जिसके अंदर ये वायरस का इन्फेक्शन होता है, वैसे पौधों के अंदर बीज भी काफी छोटा बनता है और हमारी जो उत्पादकता है वो पूर्णतः गिर जाती है। इस बीमारी का वाहक सफेद मक्खी नामक छोटा इंसेक्ट है। उस इंसेक्ट को हम आराम से फील्ड में पहचान सकते हैं। जैसे ही हम पत्तियों को पीछे की तरफ मोड़ के देखेंगे, सफेद कलर की मक्खी हमें दिखाई देगी। यह सफेद मक्खी का निवारण ही इस बीमारी का निवारण है। इस बीमारी का सबसे अच्छा निवारण है बीज उपचार। जब सोयाबीन की बोनी है उसी समय हम बीज उपचार करें इमिडाक्लोप्रिड से या थाइमेथोक्सोन 70 FS या 30 FS से। थाइमेथोक्सोन 70 FS से 3 ml प्रति किग्रा 20 की दर से या 30 FS से 10 ml प्रति किग्रा 20 की दर से किया गया बीज उपचार आपको बहुत राहत देगा। अगर उसके बाद भी यह बीमारी लगातार आपके क्षेत्र में आ रही है, उस अवस्था में आप 21 से 25 दिन के अंतराल में एक बार थाइमेथोक्सोन का स्प्रे कर दें। उससे यह बीमारी को फैलाने वाले वाहक की जनसंख्या बहुत कम हो जाएगी तथा यह बीमारी कम आएगी। और उसके बाद में अगर यह बीमारी प्रारंभिक अवस्था में आपको दिखाई देती है तो उन सभी पौधों को उखाड़ के नष्ट कर दें और नष्ट खेत से दूर करें ताकि यह बीमारी उस खेत के अंदर नहीं पनपे। और तभी भी यह बीमारी कुछ पौधों में दिखती है या कुछ फार्मर इसको नहीं उपयोग में ला सके तो उस अवस्था में 1 से 2 स्प्रे थाइमेथोक्सोन के करने पड़ेंगे, तभी इस बीमारी का अच्छे से उपचार किया जा सकता है। धन्यवाद।